उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद में खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के हरी एनक्लेव कॉलोनी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कॉलोनी में स्थित घर में मां बेटे की खून से लथपथ लाश पड़ी मिली। पुलिस अपनी शुरुआती जांच में मृतकों के किसी पहचान वाले के द्वारा मां बेटे की हत्या किए जाने की आशंका जता रही है, जबकि पुलिस ने पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद मृतक मां बेटे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और घटनास्थल की फोरेंसिक टीम से जांच कराई है। दोनों शवों को देखकर प्रतीत होता है कि जैसे कई दिन पहले मां बेटे की हत्या की गई हो। वहीं हत्यारे घर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी उखाड़ कर ले गए, जबकि घर के बाहर लगे दो कैमरों को कब्जे में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जानकारी के मुताबिक शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के मूल निवासी रमेश का परिवार कुछ दिन पहले ही खुर्जा में शिफ्ट हुआ था। पुलिस दावा करती है कि घर में बाहरी लोगों का आना जाना था, मगर घर का दरवाजा सिर्फ परिचित लोगों के लिए ही खुलता था। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस घटना के हर पहलू पर बारीकी से जांच कर रही है, जबकि पुलिस अधिकारी घटना का जल्द अनावरण करने का भी दावा कर रहे हैं। पूरे मामले में एसपी सिटी सुरेंद्रनाथ तिवारी का कहना है कि एक घर में मां बेटे की आज डेड बॉडी मिली है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्रतीत होता है कि हत्या किसी जानने वाले ने की है। जल्द घटना का अनावरण किया जाएगा। फिलहाल हत्याकांड की गंभीरता से जांच की जा रही है। बुलंदशहर से इलियास अली की रिपोर्ट। ये क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज जी, जो पड़ोस में आपकी डेड बॉडी मिली, किस तरह से आपको इसकी जानकारी हुई? जानकारी ऐसी हुई, 3-4 दिन पहले यहाँ पे हमने वो अंटी देखी थी, वो 3-4 दिन तक नजर ना आई और फिर ताला लगा हुआ था तो अंदर कूलर चल रहा और 3-4 दिन हो गया तो बच्चों ने झाँक के देखा तो उसके अंदर पहले तो बदबू आई तो फिर हमने छानबीन करी, थोड़ा झाँका झुकी करी तो उसमें डेड बॉडी दिखाई थी तो तुरंत पुलिस को सूचना कर दी। जब आपने डेड बॉडी देखी थी तो क्या वो उनसे लगता थी किस तरह की कंडीशन? जी नहीं, खाली टांग टांग में जा रही। सर, घर में जो डेड बॉडी मिली है, क्या घटनाक्रम है सर, क्या कुछ प्राथमिक जांच में सामने आया? घर इनक्लेव में एक माँ और बेटे की डेड बॉडी मिली है, लगभग 2 दिन पुरानी डेड बॉडी लग रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में इनको मरा हुआ पाया गया है। बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने सूचना दी, छानबीन की है। प्रथम दृष्टया इनका थोड़ा सा लोगों का आना जाना इनके घर पे था, लेकिन यही पता चला है कि ये दरवाजा बिना पहचान वालों को दरवाजा नहीं खोलती थी। इससे पता चलता है कि कोई परिचित इनका आया है, उसी के द्वारा घटना काज की जाने की संभावना है। बाकी छानबीन की जा रही है और इसमें घटना संभालने के बाद अभी हो जाएगा।